यूक्रेन रूस की जंग दौरान यूक्रेन के खारकिव फसे भारतीय विद्यार्थियों विचों जिले गुरदासपुर के पिंड वरसोला की रहने वाली मैडिकल की विद्यार्थन पुनीत कौर वापस अपने घर पहुंची। भारत सरकार का किया धन्यवाद, परिवार विच खुशी की लहर। पुनीत ने कहा कि जंग नू लेके यूक्रेन विच हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं और उसने भी बाकी विद्यार्थियों के नाल यूनिवर्सिटी के होस्टल विच रह के अपने दिन बतीत किए। नाल ही उसने कहा कि वह 6 साल पहला मैडिकल की पढ़ाई लई यूक्रेन गई सी अते यह साल उसकी पढ़ाई का आखिरी साल सी, लेकिन रूस के हमले कारण उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। उसने बाकी विद्यार्थियों की सही सलामत वापस लियाउण की सरकार नू अपील की। उत्थे ही पंजाब सरकार की बेरुखी नू लैके भी पुनीत कौर ने खड़े किए सवाल। खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हाँ एंड मैं 6th ईयर स्टूडेंट हाँ एंड फाइनली मैं घर आ चुकी हाँ अपने एंड मैं जदों हमला होया सीगा उदों मैं ट्रेन च सीगी बिकॉज मेरी अगले दिन फ्लाइट सीगी एंड मैंने सुबह 5 बजे पता लगा कि हमला हो रहा है बिकॉज मैं ट्रेन च सीगी, मैंने सिचुएशन का बिल्कुल भी पता नहीं सीगा। दैन मैं ओडेसा पहुंची, दैन मैं कॉन्टैक्ट किया अपने एजेंट्स नूं, उन्होंने मैंने कहा होस्टल च रहो, उत्थे ही रहो, सेफ आ, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सिचुएशन का पता नहीं है अगे किन्नी हार्श होएगी जां फिर नॉर्मल होएगी। फिर मैं उत्थे 2 दिन स्टे किया यूनिवर्स होस्टल विच, दैन अगों यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने बसिस अरेंज की हुई सी, दैन मैं बस च बैठ के रोमानिया बॉर्डर पहुंची एंड बस जिहड़ी सीगी 15 किलोमीटर पहला ही रुक गई सी, आपां चल के गए बॉर्डर ते। अगों मैं फिर बॉर्डर क्रॉस, बॉर्डर ते काफ़ी ज़्यादा भीड़ सीगी, बच्चे भी काफ़ी पैनिक सीगे एंड उत्थों दे बॉर्डर सिक्योरिटी भी पूरा कोऑपरेट करन दी कोशिश कर रही सीगी एंड उन्हां नूं भी हार्श होना पै रहा सीगा बिकॉज ऑफ सिचुएशन। एंड फिर मैं एटलीस्ट 9 बजे बॉर्डर क्रॉस कर लिया सीगा ते फिर मैं रोमानिया पहुँच गई सी। अगों मतलब सारा को अगों मैं फिर बस सीगी, बस अवेलेबल सीगी रोमानिया वालों, फिर मैं उत्थे एयरपोर्ट ते पहुँच गई सी, दैन अगों अंबैसी दे मैंबर सारा कुछ अवेलेबल सीगे, वो साडे नेम पासपोर्ट सारा कुछ पुछ रहे सीगे। अगों फिर उन्होंने फ्लाइट का बंदोबस्त किया ते एटलीस्ट 9 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई सी एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू गवर्नमेंट हू हैल्प अस अलॉट एंड मैं चाहती हाँ कि बाकी बच्चे भी छेती तो छेती वापस आ जाए एंड उन्होंने वापस लियाउण की कृपालता करो। थैंक यू सो मच। मैं पुनीत कौर दा बराबर हाँ जी, कि साड़ी सिस्टर जी सी खारकिव नैशनल मैडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सी, तो फर्दर जो सूँ पता लगा कि उत्थे माहौल खराब ने तो असी 24 तरीक की फ्लाइट बुक कराती सी, तो ये फ्लाइट तक नहीं सी पहुँच सकी, तो जदों पहुँची तो इनू पता लगा फ्लाइट कैंसल हो चुकी है और बमबारी भी हो रही सी बाहर, तो इनू थोड़ा यूनिवर्सिटी वालों भी सपोर्ट मिले तो जो इनू शैल्टर से नेरे वाले उन्होंने उत्थे पहुँचाया, तो उत्थे माहौल भी थोड़ा डर वाला सीगा, तो सानू भी इतने बहुत डर सीगा भी जां भी साडे बच्चे जिहड़े घर वापस आ सकनगे जां नहीं आ सकनगे। तो इस दौरान अपने DC साहब गुरदासपुर DPRO साहब ने भी साडी बहुत हेल्प की है जी, सारी सपोर्ट उन्होंने की है, जिथे उन्होंने नहीं सी पता लगता भी तुसीं पैनिक ना होवो, सानू पूरा दिलासा दिता भी इंडियन गवर्नमेंट जी फुल सपोर्ट कर रही है जी, तो सानू डर भी सीगा जी एक भी जां भी किन्ने टाइम लगेगा जां की माहौल होएगा उत्थों दे, जिदा कि खबरां सुनी दी सी बमबारी हो रही है, लोकल जिहड़े उधर दे नागरिक ने जां इंडियन नागरिक ने वह भी टारगेट होए ने, सो इसलिए सानू डर भी सीगा जी। घर पहुंचे ते किन्नी खुशी हो रही हाँ, बहुत खुश हाँ जी असी, तो असी यह दुआ करते हैं भी जिहड़े बच्चे उत्थे फसे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट की मदद नाल वो जल्द तो जल्द अपने परिवार के पहुँचन जी। माझा लाइव TV लई लक्की गुरदासपुर।